हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या हूं, यहां पे ये दो मॉनिटर्स, ये है दोस्तों ऑडियो सेंटर की तरफ से, वो बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर होने वाले हैं। आप चाहे यहाँ पे लाइव में इसको यूज़ कर लीजिए, डीजे पे यूज़ करना है, कहीं आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और बहुत हैवी है, यानी दो मॉडल्स हैं, आपके बजट में जो है वो आप ले लीजिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हैवी कुछ चाहिए और कुछ ज़्यादा तगड़ा ही चाहिए तो यहाँ पे ऑडियो सेंटर का आपको ये मिलता है। अगेन दोनों को हम देखेंगे, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे और वीडियो में पूरी डिटेल्स दिखाऊंगा, तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अनबॉक्सिंग का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है ओवरऑल बॉक्स पैकिंग। यहाँ पे आपको ऑडियो सेंटर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पे जो कि मॉडल नंबर है, ये है एम ए सीरीज़ के साथ में ये MA12 है। अगेन मैंने जैसे बताया, ये दो मॉडल्स में आता है, एक MA15 आता है, एक MA12 आता है। अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस MA12 का दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं सीरियल नंबर के साथ में, अगेन जो कि इम्पोर्टर एंड मार्केटेड बाय एरोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कोई ज़्यादा हमें डिटेल्स नहीं मिलती है, मैं इसको फटाफट से ना अनबॉक्स अभी कर लेता हूं और दिखाता हूं इसके साथ में हमें क्या क्या चीजें जो है वो मिल जाती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं बॉक्स पैकिंग के अंदर, तो एग्जैक्टली आपको MA15 के अंदर भी ये आपको एक कॉर्ड मिलेगी, जो कि यहां पे आपको 3-पिन प्लग मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पे ये आपको हैंग करने के लिए ये एक्सेसरीज कुछ मिल जाती हैं, जो कि आपके यहाँ पे मॉनिटर्स पे लग जाती हैं, तो ये साथ में आती है, एक अच्छी बात है। और ध्यान दिया है कंपनी ने इस बारी, बाकी पॉली रैपिंग पे है। चलिए मैं इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ, फिर अब हम मतलब इसके जो कि फ्रंट एंड बैक का डिटेल है वो MA15 पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे लुक्स की बात करूँ, तो आपको एग्जैक्टली दोनों मॉडल सेम देखने को मिलेंगे। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे ये है आपका 12 इंच का और ये है यहाँ पे 15 इंच का। और लुक की मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा भाई, फर्स्ट हैंड फील ही यहाँ पे बता देता है कि हाँ कुछ ब्रांड ने यहाँ पे काम करा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लोज लुक दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक ऊपर सेपरेट आपको देखने को मिलता है, जो कि ये HF वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि आप पीछे से इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी ग्रिल आपको मिल जाती है, ग्रिल के ऊपर यहाँ पे एक डिटेल्स आपको मेंशन है, 1600 वाट इसका पीक पावर यहाँ पे मेंशन है, MA15। और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करेंगे, यानी कि इसके फीचर्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करेंगे। ऑडियो सेंटर्स की यहाँ पे आपको एक बारी और ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एयर जो कि वेंटिलेशन है वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है, ये एयर वेंटिलेशन। अंदर आपको स्पीकर शायद दिख भी रहा होगा, तो ये देख लीजिए, आपको ये स्पीकर यहाँ पे दिख भी रहा होगा। और ग्रिल जो है वो काफ़ी अच्छी, मतलब अगेन गेज होता है ना, आपको थिकनेस मार्केट में जो मिलती है या फिर वो की मिलती है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये ग्रिल है, इसका पेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहीं अगर मैं साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आपको ऑडियो सेंटर की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये आपको थोड़ा सा अलग सा इनक्रेविंग सा मिलता है, ये जो है आप जब इसको इस तरीके से रखेंगे ना, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये काम आएगा इसको सपोर्ट देने के लिए। तो एक परफेक्ट एंगल बनाता है, जब भी आप इसको स्टेज पर रखते हैं या फिर कुछ इस प्रकार से रखते हैं, तो एक परफेक्ट एंगल बनाता है आपके लिए। और चलिए मैं इसको वापस ना खड़ा कर देता हूँ। और ऊपर आप देखेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको एक हैंगिंग एक्सेसरीज भी मिलती है, तो वो यहाँ पे काम आती है जब भी आप इसको यहाँ पे वॉल माउंटेड करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये पीछे ये एक हैंडल मिल जाता है, ये इसके अंदर ही इनक्रेव है। पीछे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये है इसका इनपुट आउटपुट सेक्शन, जहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल ए चैनल बी आपको मिल जाते हैं। इसके आपको गेन नोब्स यहाँ पे मिलते हैं सेपरेट चैनल ए चैनल बी में। दोस्तों यहाँ पे TS+XLR दोनों का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहीं अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर मिड बेस ट्रेबल यहाँ पे सब कुछ आपको इसके अंदर ही देखने को मिलता है, मिक्स आउट भी है। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका हो जाता है ये ब्लूटूथ सेक्शन, जहाँ पे आप इसको पाँच से मेरे ख्याल से 2 या 3 सेकंड जो है वो करेंगे, तो यहाँ से आप ब्लूटूथ जो है कनेक्ट कर पाएंगे। मैं करके एक बार दिखा दूंगा। ये ऑक्स इन आपको मिलता है, यहाँ पे ये इसका गेन हो जाता है, यानी इस वाले पैनल का यहाँ पे आप देख लीजिए बॉक्स बना रखा है, तो इसका ये गेन हो जाता है। अगर आउटपुट लेने तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे इसमें जो है 80 हर्ट्ज़ का आपको फिल्टर मिलता है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, प्रोटेक्ट लिमिटर सिग्नल एंड पावर। जैसे कि मैंने बताया फ्रंट पे एक LED इंडिकेटर मिलता है, तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो सेंटर की अगेन ब्रांडिंग है, ठीक है ना। ये इसका जो कि इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे पावर कॉर्ड इनपुट होगा, ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है। बाकी इस साइड भी आपको वही सेम हैंडल मिलता है, यहाँ पे सेम वैसे ही जो कि एंगल बनाता है उसके लिए यहाँ पे एक आपको बॉडी में इनक्रीव मिल जाता है। ऑडियो सेंटर की यहाँ पे ब्रांडिंग है। नीचे एक बार ये मैं दिखा देता हूँ, तो नीचे जो है वो यहाँ पे पोल माउंट करने के लिए आपको ये होल मिलता है, आप यहाँ पे पोल माउंट जो है वो कर सकते हैं। ये रबड़ ग्रिप्स मिलती हैं, ताकि ये फिसले ना कहीं पे। तो मैं कहूँगा भाई, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन करा हुआ है, हैवी है। और पर्सनली मेरा जो कि फेवरेट है वो तो खैर है ही, इसको आप किसी भी कॉम्पैक्ट जगह पे लेकर जा सकते हैं,
ये हो जाता है मतलब हैवी, आप इसको कहीं पे भी यूज़ करिए, पार्टी क्लब लाइव भी यूज़ करना है, डीजे भी यूज़ करना है, कहीं भी यूज़ करिए। अभी दोस्तों मैं है ना थोड़ी बहुत आपको स्पेशल्स बता देता हूँ, और सबसे पहले जो कि पहला स्पेशल्स है आपको यहाँ पे दोनों पे ही 1600 वाट जो मेंशन हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कि चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीकर यहाँ पे जो कि यूज़ मिल गया है वो 12 इंच का है, लेकिन यहाँ पे 2.5 इंच वॉइस कॉल इस्तेमाल मिल गया है। यहाँ पे जो है वो 15 इंच का स्पीकर है, 15 इंच का ड्राइवर यूज़ मिल गया है, लेकिन इसके अंदर जो 3 इंची वॉइस कॉल आपको देखने को मिल जाती है। एसपीएल की बात करूँ तो 131 dB आपको मिलता है, इसमें आपको जो है वो 133 dB जो है वो मिल जाता है। वेट जो है वेट में भी फर्क आएगा, अगेन यहाँ पे वेट जो है वो 14 किलो हो जाता है, ये 17.5 किलो का आपको वेट मिलता है। क्लास डी की इसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे क्लास डी है तो आप सभी को मालूम है भाई कि इंडियन कंडीशन क्या बोलता है, कि अगर वोल्टेज आपके अप डाउन भी है ना तब भी ये वर्किंग में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से लेकर 240 वोल्टेज एट 50 और 60 हर्ट्ज़ पे दोनों पे आप इस पर वर्क कर सकते हैं। तो मतलब कह लीजिए ऑल ओवर ये पैकेज जो है ना काफ़ी हैवी रहने वाला है। खैर जब टेस्टिंग आप जब सुनेंगे इन मॉनिटर्स की क्लियरिटी जब सुनेंगे तो आपको एक्चुअल में मालूम चलेगा कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। खैर अभी चलते हैं हम इसकी टेस्टिंग देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों बात करूँ यहाँ पे इसको सेटअप करने की या फिर इसको जब आपको चलाना कैसे, तो मैं आपको इस दो तरीके से बताने वाला हूँ कैसे चलाना है। सबसे पहले जो कि ऑप्शन है यहाँ पे आपको कोई भी मिक्सर की जरूरत नहीं है, लाइक पर्सनली यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा 12 इंच का और 15 इंच का दोनों रखा है, तो मैं अभी 15 इंच के साथ में भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए मैंने यहाँ पे पावर इनपुट करा हुआ है, मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे पावर आ गया है। अब क्या है कि आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है ना, तो सिंपली आपने करना क्या है कि ये जो है ब्लूटूथ वाले बटन को 2 या 4 सेकंड जो है वो दबा के रखना है, ये ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने के बाद आपने जाना है अपने ब्लूटूथ पे और यहाँ पे शो कर देगा इसका डिवाइस। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये डिवाइस अभी शो कर देगा, ये देख सकते हैं ACMA, इस पर मैं कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये ब्लूटूथ जो है वो अभी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्ट हो गया ना, तो अब ये ब्लिंक रुक गया है। चलिए मैं अभी यहाँ पे गाना चलाऊँगा, उससे पहले आप देख लीजिए सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मैं इस पर गाना प्ले करता हूँ, ये मेरा कनेक्ट हो गया फ़ोन, ठीक है। चलिए ये तो एक तरीका मैंने बताया कि आप इसको इसके तरीके से जो कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको टेस्टिंग देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने मिक्सर सेटअप करा हुआ है। सिंपली मैंने कुछ इसके साथ में नहीं, मेरा फोन यहाँ पे इससे अटैच है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट एंड राइट मैंने सिंपल वहां पे दे दिया है, ठीक है। और इसके पीछे अगर मैं दिखाऊंगा ना, तो अभी चीज गौर करिएगा कि इसके जो पीछे सेटिंग्स है ना वो बिल्कुल 00 पे ही है सब, ठीक है ना। यहाँ से हमने कुछ चला नहीं है, सेम इसका है, सेम इसका है, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई ये कैसा क्वालिटी है और ये कैसा क्वालिटी है। और ये कोई वर्सेस वाला नहीं है, मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे जो है वो गाना प्ले करता हूँ। 12:12 बजे
दोस्तों कैसे लेके डस रहे हो, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अगेन यहाँ पे मोस्ट फेवरेट मेरा आप बोले कौन सा अशरफ भाई आपका, तो मैं कहूँगा भाई दोनों ही फेवरेट हैं, क्योंकि ये मैंने भी टेस्ट करा ऑलरेडी पहले, आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं पोस्ट में देख चुके होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जब मैंने इसको सुना, इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बल्कि सा है, मज़ा आएगा आप लोगों को जो यहाँ पे बेस बल्कि से मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर आपको फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप इसको स्टेज पे, लाइव पे, कहीं पे भी, डीजे पे हो गया, एनीवेयर यू कैन यूज़ इट। और सबसे अच्छी बात है कि इनके जो साइजेज़ है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट हैं, तो आप अपने कार के डिग्गे में डाल के इसको कहीं भी ईजिली लेके जा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक तो ब्रांड हो जाता है भाई ऑडियो सेंटर, और मुझे कुछ इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगेन इसकी रेपुटेशन जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनके लैनर है, इनके एम्पलीफायर्स वाकई में अच्छे बसते हैं और कुछ हटके ही रहते हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इन दोनों मॉडल से अब आप यहाँ पे चूज़ कर पाएंगे, और इनको आप डायरेक्टली माइक से भी चला सकते हैं। तो पीछे जो है वो माइक का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके अंदर जो कि माइक का ऑप्शन है ना, इसमें आपको फ्रिक्वेंसीज भी मिल जाती है। लाइक यहाँ से अगर आपने इनपुट करा तो ये आपको फ्रिक्वेंसीज मिल जाती हैं, आप यहाँ से EQ अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर है, और बहुत अच्छा लगा, मतलब जरी जरी सी चीज़ों पे ध्यान दिया है कंपनी ने। बाकी बिल्ड क्वालिटी को लेके मुझे कोई शक नहीं है, और मेरे पास भी ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्टिव मॉनिटर्स हैं, लेकिन उनके अगर मैं देखूँ कंपैरिजन, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा भाई दमदार है। और बात करें अवेलेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे आपको अगेन नंबर शोर होगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड यानी जो कि यहाँ पे इंडिया में इसको अभी दे रहे हैं ऑडियो सेंटर को, वो यहाँ पे एरोंस इंडिया है। तो यहाँ पे आपको नंबर शोर होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर प्लस एड्रेस दोनों दे दूंगा, तो वहाँ से जाके जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन दोनों की प्राइसिंग ले सकते हैं। बाकी ये आपको अपने नियरेस्ट डीलर पे जो है वो ईजिली मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी जाके इनको आप सुन सकते हैं, टेस्टिंग ले सकते हैं, बाकी सारी डिटेल भी जान सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।